हेलो एवरीवन, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अगर गर्मा गर्म टेस्टी सांभर वड़ा मिल जाए तो बस बात बन जाए। तो मेरी आज की रेसिपी टेस्टी यमी सांभर वड़ा, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से फटाफट बना के तैयार किया है और इसकी रेसिपी को आपके साथ शेयर किया है। तो सांभर में डालने के लिए मैंने लिया है बैंगन, गाजर, भिंडी, प्याज, लौकी, थोड़े से करी पत्ते और टमाटर। सब्जियां आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, भिंडी स्किप भी कर सकते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है सरसों का दाना, मेथी दाना, उड़द की दाल, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक। प्रेशर कुकर में डालेंगे सरसों का तेल, तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें मसालों का तड़का लगाएंगे। मसाले जब चटकना स्टार्ट होंगे तो उसमें डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता और पिंच ऑफ हींग। इसके बाद इसमें सारी सब्जियों को डाल लीजिए। सांभर बनाने के लिए आप अपनी मनपसंद किसी भी सब्जी का यूज कर सकते हैं, बस नेनुआ और करेला को छोड़ के। अगर आप भिंडी ना पसंद करते हैं तो भिंडी को स्किप कर दीजिए। उसके बाद अच्छी तरीके से मिक्स करके चला लीजिए। इसके साथ ही साथ डाल देंगे बैंगन, यानी सारी सब्जियों को एक साथ डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक कीजिए, ताकि सब्जियों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और सब्जी हमारी अच्छे से नाइस पिंक कलर में चेंज हो जाए। तो सब्जियां अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें जाएगा टमाटर और रेडीमेड सांभर मसाला 1.5 टीस्पून। इसके बाद मैंने डाला 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर। इसके साथ ही साथ जाएगा लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच और नमक आपके स्वाद अनुसार। तो गैस की फ्लेम को मसाले डालते समय लोअर करिए और उसके बाद सारी मसालों को और सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए चला लीजिए। मीडियम फ्लेम पे मसालों को 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें डालेंगे धुला हुआ रहर की दाल, कई जगह इसको तुअर की भी दाल बोलते हैं, तो दाल को मैंने पहले ही धो लिया था। इसके बाद इसमें जाएगा पानी। तो सांभर में पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाता, क्योंकि सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, दाल है, तो यहाँ पर मैंने सांभर में डाला है 3 गिलास टोटल पानी। इसके बाद इसमें जाएगा इमली का पानी खट्टेपन के लिए। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। डाला मैंने थोड़ा सा फ्रेश करी पत्ता और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए चला लीजिए। उसके बाद इनको लिड से कवर कीजिए और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक कुक करेंगे, यानी प्रेशर कुक करेंगे। जब कुकर में 3 से 4 सीटी आ जाए तो गैस की फ्लेम को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। अगेन 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि जो सांभर है बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाए। प्रेशर कुकर जब नॉर्मली ठंडा होगा तो लिड ओपन करेंगे और एक कलछन की सहायता से सांभर को अच्छी तरीके से घोट लेंगे। घोटने से क्या हुआ कि दाल और सब्जी जो है आपस में बहुत अच्छी तरीके से कंबाइंड हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। तो चलिए तड़का रेडी कर लेते हैं सांभर के लिए। तो तेल गरम किया, उसमें तड़का के लिए डाला सरसों के दाने, इसके बाद थोड़े से फ्रेश करी पत्ता और जब दाने चटकना स्टार्ट होंगे तो इसमें डालेंगे हींग और गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और तैयार तड़का को डालेंगे बने हुए सांभर के अंदर। और तड़का डालने के बाद कलछन के साथ ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और कवर करके एक साइड में करके रख दीजिए। तो चलिए तैयार करते हैं वड़ा। तो वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे उड़द दाल को मैंने रात में ही भिंगो के पानी में रख दिया था। तो दाल अच्छी तरीके से सूख हो चुका है, अब उसको एक बार पानी से धो लीजिए और उसके बाद पानी निकाल दीजिए। सोक्ड उड़द दाल को डालेंगे मिक्सर जार में, एक बार में जितना आता है उतना दाल डालें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके बैचेस में डालें। इससे क्या होगा कि आपको अपने बैटर का अंदाज़ा मिलेगा और आपको डर नहीं होगा कि मेरा बैटर ज़्यादा कहीं पतला ना हो जाए। तो मैंने बैचेस में करके पानी डाला और एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे रखा है बैटर को, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। तो ये देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट बनाया मैंने। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि अब हाथों की सहायता से 3 से 4 मिनट के लिए दाल को बहुत अच्छी तरीके से फेंटें। इससे क्या होगा, हमारा वड़ा उतना ही सॉफ्ट उतना ही स्पॉन्जी बनेगा। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तकरीबन आपको फेंटने हैं, जिससे कि दाल हमारा अच्छी तरीके से फ्लफी हो जाए। आपको चेक करने के लिए करना क्या, एक कटोरी में पानी लेना है और दाल के बैटर को डाल देना है। ये देखिए ऊपर आ गया, इट मीन्स कि वड़ा बनाने के लिए दाल का बैटर जो एकदम परफेक्ट है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश करी पत्ता, आप चाहें तो धनिया के पत्ते का भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें डाला थोड़ा सा फ्रेश करी पत्ता, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई मिर्ची। इसके बाद इसमें मैंने डाला नमक आपकी स्वादानुसार और हाथों की सहायता से सारी चीज़ों को फिर से 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। जितना आप बड़ा को फेंटेंगे उतना ही आपका बड़ा जो है मार्केट जैसा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनेगा। इसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर डालने के बाद आपको 1 मिनट के लिए इनको फिर से फेंट लेना, यानी दाल के बैटर को 1 मिनट के लिए फिर से फेंट लीजिए। इसी बीच कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के तेल को गर्म होने के लिए रख दीजिए।
बाजार जैसा सॉफ्ट वड़ा बनाने के लिए फेंटना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने इन्हें अच्छी तरीके से फेंट के एक साइड में करके रख दिया। तो चलिए तेल को चेक कर लेते हैं। तो मैंने बहुत छोटा सा पोर्शन डाला और ये एकदम ऊपर उठ के ऊपर आ गया है। इट मीन्स कि तेल हमारा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब बैटर को गर्म तेल के अंदर लेमन साइज के रूप में डालते चले जाएंगे, बट बी केयरफुली कि तेल गर्म है, आपका हाथ न चले। तो एक बार में कढ़ाई में जितना बड़ा आ सकता है उतना डाल दीजिए। कुछ ही मिनट में आप देखेंगे कि बड़ों की साइज अपनी साइज से जस्ट दुगनी हो गई है, यानी कि बड़े फूल के एकदम सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। तो आपको जो हल्के हल्के से ऊपर अगर लगता है कि कच्चा है तो तेल ऐसे डालते चले जाइए और गैस की फ्लेम मीडियम पे ही इन्हें डीप फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे बड़ों को डीप फ्राई नहीं करेंगे। और जब नीचे एक साइड से बड़ा जो है हल्का सा क्रिस्प हो जाए, नाइस गोल्डन कलर में चेंज हो जाए, तो इसको अलटते पलटते हुए 3 से 4 मिनट के लिए डीप फ्राई कीजिए ताकि जो बड़ा है अच्छे से क्रिस्प हो जाए और नाइस गोल्डन कलर में चेंज हो जाए। इसी सेम प्रोसेस से सारे बड़ों को डीप फ्राई कर लीजिए और एक प्लेट के ऊपर निकाल लीजिए। आपको मैं शो करती हूँ कि हर एक बड़ा कितना सॉफ्ट बना है। अभी से देख के मुँह में पानी आ रहा है, बट अभी प्रोसेस बाकी है। ये देखिए मैं अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ। जाली कितनी शानदार आई है, उतना सॉफ्ट अंदर से बाहर से उतना ही क्रिस्पी। आप इसको ऐसे ही चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आपको सांभर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर सांभर बड़ा बना रहे हैं फिलहाल। तो ये देखिए हर एक बड़ा उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही टेस्टी है। इसी बीच मैंने कढ़ाई में जो तैयार सांभर था उसको डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सांभर थोड़ा सा गाढ़ा है, क्योंकि सांभर पतला ही अच्छा लगता है। तो इसमें डालेंगे गुनगुना पानी 1.5 कटोरी। तो यहाँ मैंने डाल दिया गुनगुना पानी और इसको अच्छे से चला के मिक्स कर लिया है। जब सांभर में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे फ्राइड किया हुआ वड़ा। वड़ा डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इनको कुक कीजिए। इससे क्या होगा कि वड़े के अंदर सांभर का फ्लेवर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी सांभर बड़ा बनके रेडी होगा। इस प्रोसेस से आप जब भी बनाएंगे मार्केट से खाना भूल जाएंगे। ये इतने टेस्टी बनते हैं और देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, फटाफट बनके रेडी हो जाती है। बस गैस की फ्लेम को बंद कीजिए, गर्मा गर्म सांभर बड़ा को इंजॉय कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।